मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। नुपुर शर्मा के बयान से देश की भावनाएं हुई आहत। सुप्रीम कोर्ट उदयपुर की वारदात के लिए ठहराया जिम्मेदार, कहा देश को आग में झोंका। थल सेना और नौसेना ने भी शुरू की अग्निवीरों की भर्ती। वायुसेना को 6 दिन में मिले 2.72 लाख आवेदन। महाराष्ट्र में नए नेतृत्व और नए समीकरण से आगे बढ़ेगी भाजपा। मराठा और पिछड़ा वोट बैंक साधने की तैयारी। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक नियंत्रण, योगी मुख्यमंत्री बोले 40 वर्षों में पूर्वांचल ने 50,000 बच्चों को खोया। GST संग्रह में 56% उछाल, जून में मिले 1.44 लाख करोड़ रुपए की गिरावट थामने के लिए सोने के आयात और पेट्रोल डीजल के निर्यात पर कर रहा बढ़ा। थाना तहसील पर ही निस्तारित करें समस्याएं, योगी सीएम योगी बोले सुनवाई ना करने वाले लापरवाह अफसरों पर की जाएगी कार्यवाही। जनता दरबार में 160 फरियादियों की सुनी समस्याएं। निजी डॉक्टर समेत 29 कोरोना संक्रमित मिले, 24 मरीजों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मरीजों की संख्या 117 हुई। स्नेक द्वीप से हटे रूस ने ओडेसा में दागी मिसाइलें, 19 लोगों की मौत। पंत ने लगाया 5वां शतक, जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभाला। ऋषभ और रविंद्र ने निभाई शतक की साझेदारी, इंग्लैंड के एडरसन ने लिए 3 विकेट। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊँगी इसी समय मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार।